हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे ये थ्योरम जो इस प्रकार से है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसिज ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ इज अगेन अ सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ। मतलब हम टू सब स्पेस लेंगे, जैसे डब्लू वन और डब्लू टू हमने ये कंसिडर किए टू सब स्पेस, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें ये दिखाना है कि ये टोटल रिजल्ट जो भी बनेगा, सपोज करो ये W बना, ये भी हमारा वेक्टर सब स्पेस है। ओके, ये हमें शो करना है। क्लियर पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर प्रूफिंग में हम क्या लेकर चलेंगे, सबसे पहले गिवेन लिखती है गिवेन। अब गिवेन में क्या है, टू सब स्पेसिस है, तो इन टू सब स्पेसिस को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लेट W1 and W2 are two subspaces of V of F. Okay, true, so that, so क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन कहा है हमको, इंटरसेक्शन इज अगेन सब स्पेसिस। ओके, तो हमें क्या करना है, true, so that W1 intersection W2 is a vector subspace of V of F. ये हमें शो करना है। ओके, अब देखिए इस पॉइंट को शो करने के लिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर स्टडी किए हैं, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9, उन थ्योरमों का हमें यहां पर यूज करना है। और सबसे बेस्ट थ्योरम जो हम यूज में लेते हैं वो है लेक्चर नंबर 8, जो कि मैंने आपको थ्योरम प्रूफ कराई है, उसको आप देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट, A necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space V of F to be a vector subspace of V of F is that alpha beta belong to W, A B belong to F implies A alpha plus B beta belong to W. Means इस स्टेटमेंट को अगर हम प्रूव कर दे, ये स्टेटमेंट अगर हम प्रूव करें तो हम कह देंगे कि W हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस है। अब यहाँ पर W जो है, ये W हमें क्या लेना है, W1 इंटरसेक्शन W2 लेना है। ओके, कैसे ये देखते हैं। दैट मीन्स हमें ऐसा करना है कि अल्फा बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2, ए बी बिलोंग टू F, इंप्लाइज ये करना है A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग टू W1 इंटरसेक्शन W2। ऐसा हमें सो करना है, ये लेकर चलना है और ये लाके दिखाना है। अगर हमने ये लाके दिखा दिया तो हम कहेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज वेक्टर सब स्पेस। ओके, ये शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं मैं, SSP। ओके, तो यहां पर हमें ऐसा ही सो करने के लिए ये पॉइंट कंसीडर करके चलना है। तो करें नाउ, लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू W1 intersection W2, AB belong to F. अब देखो इस पॉइंट तक मुझे पहुंचना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इंप्लाइज करूंगा। इंप्लाइज क्या, तो ये अल्फा बीटा इंटरसेक्शन में है तो अल्फा बीटा W1 में भी होगा और W2 में भी होगा, तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा बिलोंग टू W1, अल्फा बीटा बिलोंग टू W2, ऐसा लिख सकते हैं, और ए बी बिलोंग टू एफ। कोई डाउट? अब ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट आ गया। इंप्लाइज अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू वन, ए बी बिलोंग टू एफ, तो क्योंकि डब्लू वन हमने देखो क्या माना है, सब स्पेस माना है, अर्थात वेक्टर सब स्पेस लिया है। तो अगर ये वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टी ये वाली सेटिस्फाई होगी। कौन सी मिलती, दिखा देता हूं। अब देखो इस थ्योरम को हम सदैव इस फॉर्म में यूज करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया करूंगा, समझा दिया करूंगा, डब्ल्यू जे वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी ऑफ एफ ई पेंड ओनली इफ अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू, ए बी बिलोंग टू एफ इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्ल्यू। ई पेंड ओनली इफ का मतलब है बोथ साइड होना, अगर ये है तो हम कहेंगे कि डब्ल्यू वैक्टर सब स्पेस है, अगर डब्ल्यू सब वैक्टर सब स्पेस है तो हम ये लिख सकेंगे ये प्रॉपर्टी। ओके, तो यही सिचुएशन अब हमारी इस थ्योरम में आ गई कि हम यहां पर अप्लाई करें। ओके, देखिए
यहां पर अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू वन, ए बी बिलोंग टू एफ, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्लू वन। क्यों लिखा? क्योंकि हमारा डब्लू वन इज वेक्टर सब स्पेस एंड ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्लू टू, क्योंकि अल्फा बीटा हमने किस में लिया है डब्लू टू में, और ए बी बिलोंग टू एफ है, तो इसको भी लिख सकते हैं। क्यों लिखा ये रीजन? डब्लू टू इज वेक्टर सब स्पेस, ये रीजन समझ में आया। अब यहां से देखो मैं इम्प्लाइज कर रहा हूं दिस एलिमेंट डब्लू वन में है, ये दिस एलिमेंट डब्लू टू में है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में भी ये एलिमेंट लाई करेगा। इम्प्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्लू टू। क्लियर? अब यहां से देखो हम ये लेकर चले थे और इम्प्लाइज करते हुए हमने ये प्रूव कर दिया, दैट इज ऐसे ही तो लाना था हमको, तो हम क्या लिखेंगे? हैंस अल्फा बीटा बिलोंग टू डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्लू टू, ए बी बिलोंग टू एफ इंप्लाइज ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग टू डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्लू टू। तो ये डेफिनेशन हमारी क्या प्रूफ करती है? ये डेफिनेशन प्रूफ करती है हमारी कि कंसिक्वेंटली डब्लू वन इंटरसेक्शन डब्लू टू इज वेक्टर सब स्पेस, हैंस प्रूफ्ड। ओके, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर नई लेक्चर वीडियो का पता आपको सबसे पहले लग सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ ले सके। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नई लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।